शादी की बातें हैं क्यूट क्यूट सी। तो कहीं ना कहीं कबीर का कोई अगर प्लान अगर ऐसा वो करने वाले हैं तो फिर दिल का दौरा ना पड़ जाए दादी को। कबीर को तो पता है नहीं ये बात। कबीर को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है शंकर से कि दादी आई हैं और सब नौटंकी कर रहे हैं, और तभी कबीर कहता है कि अच्छा मैं भी आता हूँ। थैंक यू। हाँ ये जा अभी खड़े वो मार दादी यार चलना ऊपर की टोक पैंथर धमकी गो फास्ट धमकी गो बाकी लोग वापस यही से आगे। देखो सोनू भाई, आप लोग यहाँ आए हम लोग को काफी खुशी हुई, लेकिन अब हम आपको ज्यादा देर अंधेरे में नहीं पहुंचा। वो क्या है कि अब हम सबके साथ हैं। हमारा मतलब कि हम हैं शंकर आपकी नई भाभी। लेकिन ये सब कैसे? ये तो हमें भी नहीं पता। बस तुम मान लो कि प्यार पर धोखे की चीज हालात ही कुछ ऐसे थे। चाहे हालात कुछ भी हो पर
दादी को ये सब पता नहीं चला। किसी ने बताया नहीं, मतलब मासी ने नहीं बताया, छोटी किरत तो गई है पर अब कैसी है मौसी जी? हमारा अब भी नाजू के क्या करते चाचा, यहाँ है इधर देखिए ना। को और सम्मान नहीं करेंगे, और अगर उन्हें ये पता चला कि विधान भैया और भाभी का तलाक हो गया तो विधान भाई पति बनने का नाटक कर सकते बस आज रात के बाद दादी के लिए। लेकिन सुन भाई, हम ये सब नहीं, क्यों सर मैं आगे आऊंगा ना। लेकिन सुन भाई, हम ये सब नहीं, क्यों नहीं? हालात बदले हैं बिहार, संस्कार तो नहीं बदले, अपनी बड़ी दादी के लिए इतना सा नहीं कर सकते, एक दिन